इस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बजाज प्लेटिना 110 सीसी पर हमने की है कुछ सिंपल ओवर मॉडिफिकेशन, बट इसमें इंस्टॉल किया गया सिमटेक का हैजार्ड। काम बहुत अच्छा है, ये देखो गाइस, बस लेफ्ट राइट और बीच में प्रेस करना है और इसके पैटर्न हो जाते हैं चेंज। अब एलईडी बल्ब लगे होते हैं छोटे छोटे, जो बहुत कम बैटरी लेते हैं। कभी भी आपको वर्क कराना है कृपया करके यहीं पर ही एसकेडी वर्कशॉप पर। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं होप होस्ट आपका दोस्त लैब के ऑन अ टॉपिक एक और नया वीडियो नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बजाज प्लेटिना 110 सीसी वाली पर हमने की है कुछ सिंपल सोवर मॉडिफिकेशन। अगर आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो तो आपकी बाइक और बाइक से काफ़ी अलग दिखती है, काफ़ी यूजफुल है, सिंपल सी है, और अगर आपको ज़्यादा मॉडिफाइड करानी है तो भी आप करा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और चैनल को लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियो लाता रहता हूँ। बात करूँ उसके प्राइसिंग की, तो अगर इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो तो 2-3 हज़ार रुपये में आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन करा सकते हो। गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बजाज प्लेटिना 110 सीसी पर हमने की है कुछ सिंपल सोवर मॉडिफिकेशन बट यूज़फुल। अगर आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में कराते हो तो काफ़ी यूनिक सी लुक आ जाती है और बाइक में चार चांद लग जाते हैं। शुरू करूंगा मैं मॉडिफिकेशन बताना गाइस। इसमें इंस्टॉल किया गया है सिमटेक का हैजार्ड। सिमटेक का हैजार्ड जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, इसमें 50-40 पैटर्न होते हैं जो कि इंडिकेटर को एक साथ जलाता है चारों को, बट अलग अलग डिज़ाइन के साथ। यानी कि अगर मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो गाइस, ये पैटर्न देख सकते हो आप, और बहुत सारे पैटर्न इसके अंदर होते हैं। पैटर्न चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर बस लेफ्ट राइट और बीच में प्रेस करना है, बस उसके बाद इसके पैटर्न हो जाते हैं चेंज। अब अगर कभी अगर आपको अगर इसके पैटर्न चेंज करने हो तो बस आपको लेफ्ट राइट बीच में प्रेस करना है और आपके पैटर्न हो जाते हैं चेंज। ये देख सकते हो गाइस, जितनी बार आप इसको लेफ्ट राइट बीच में प्रेस करोगे और आपके पैटर्न हो जाएंगे चेंज। अब अगर कभी भी आपको इंडिकेटर देना हो तो आप इंडिकेटर दो, ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, और जब इंडिकेटर आप ऑफ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो जाता है, और काफ़ी फॉग के समय में काफ़ी यूज़फुल होता है, और बाइक की जो प्रेजेंटेशन होती है ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि फॉग के समय में क्या होता है, जो वाइट लाइट होती है ना, ये वाली दिखती नहीं है, तो ये येलोइश वाली जो ऑरेंज कलर की या पीले कलर की आप कह सकते हो। तो और यहाँ पर एक हैंड गार्ड इंस्टॉल किया है, ये हैंड गार्ड आप देख सकते हो। इस हैंड गार्ड का जिन लोगों को नहीं पता बता दूं गाइस, एक तो इससे लगाने के बाद जो बाइक का लुक आता है वो एक नंबर का आ जाता है, ये आप देख सकते हो। प्लस इसमें आपको इंडिकेटर का भी साइन मिल जाता है डीएल के साथ, और इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराने के बाद इसकी बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें एक एलईडी बल्ब लगे होते हैं छोटे छोटे, जो बहुत कम बैटरी लेते हैं। अब अगर कभी अगर आपका बाइक गिरता भी है तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके क्लच पे, आपके ब्रेक पे, आपके जो क्लच और लीवर्स हैं ये टूटते नहीं हैं, सेफ रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात गाइस, ये है इसमें बहुत सारी क्वालिटी आती हैं, बहुत हैवी भी आते हैं, बहुत हल्के भी आते हैं, बट ये मीडियम क्वालिटी हैं, काफ़ी यूनिक से हैं और काफ़ी यूज़फुल है बाइक के हिसाब से, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। ब्लैक थे, यहाँ पर वाइट कलर की एक रैपिंग कर दी गई है आप देख सकते हो, क्योंकि ब्लैक और वाइट का जो कॉन्सेप्ट था पूरी बाइक में तो वो यहाँ भी लिया गया है, ये देख सकते हो गाइस। और इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं एलईडी बल्ब, क्योंकि हेलोजन बल्ब की इतनी ब्राइटनेस नहीं होती और उसकी जो ब्लिंक करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, स्पीड भी कम होती है, क्योंकि वो चलता है ऐसे, ये दोस्तों कितनी स्पीड से चल रहा है, तो उसका फोकस बहुत ज़बरदस्त आता है। ये तो हो गया फ्रंट का, अगर मैं आपको बैक से दिखाऊं तो ये दोस्तों बैक से कितना बेहतरीन सा है, और ये प्रॉपर तरीके से रात नहीं है गाइस, आप देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप पूरी रात में आप लेके निकलते हो तो ये फुल्ली प्रेजेंटेबल वाली बाइक बन जाती है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आ जाता है, ये देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी मॉडिफिकेशन आप और भी करा सकते हो, लाइक क्रैश गार्ड लगा सकते हो फुल बॉडी वाला इस तरीके का, और यहाँ पर वाइजर इंस्टॉल कर सकते हो। एक एलईडी वाले मिरर आते हैं जिसमें आपको पीछे भी इंडिकेटर और इस साइड से भी इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं एलईडी की लाइट के साथ, तो वो भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें हुआ नहीं, लेकिन आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बाकी डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट कर लेना। और इस सीट का नेट इंस्टॉल किया, छोटा मोटा सामान आप इसमें रख सकते हो, जो उसमें किताब वगैरह रख सकते हैं इजिली। अदरवाइज़ यहाँ पर लॉक भी इंस्टॉल किया गया है, इसमें अपना हेलमेट वगैरह या आप चाहो तो उस पर भी लगा सकते हो, अपनी बाइक की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा कंफर्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और ग्रिप्स को मजबूत करने के लिए और अपनी राइड को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिंपल सी ग्रिप्स इंस्टॉल कर रखी है, अदरवाइज़ बहुत सारे ऑप्शन शॉप पर अवेलेबल हैं। इसमें क्या है, सर्दियों में एक तो आपको ठंडी नहीं लगेगी, और गर्मी में अगर पसीना वगैरह आता है ना तो उस केस में, यानी कि ट्विन वन है, आप इसको हर मौसम में यूज़ कर सकते हो। सिंपल सोवर
बट यूज़फुल। इसके अलावा गाइस नंबर प्लेट फ्रेम भी इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो नंबर प्लेट कंपनी फिटेड आती है यही चलानी होती है आपको, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है कि छोटी मोटी जगह का टच हो गया तो ये नंबर प्लेट टेढ़ी हो जाती है, टूट जाती है, और जो है नंबर प्लेट बहुत जल्दी आपकी ख़राब हो जाती है। तो उससे सेफ्टी के लिए आप इस तरीके के फ्रेम लगा सकते हो, जिससे लुक भी इन्हेंस होता है और सेफ्टी हो जाती है। ये फ्रंट की साइड है, बैक साइड में भी सेम ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो, क्योंकि ये वाइट है नंबर प्लेट और ये ब्लैक, काफ़ी 3D लुक इससे भी आ जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। ये देखो, बहुत सेफ्टी भी रह जाती है। तो ये थी मॉडिफिकेशन आपकी, तो ये तो हो गई मॉडिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इसके ऑनर की।